खबर ले रहे फेसबुक ऑनलाइन पाठकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनीता सिनी रिपोर्टर खबर लहरिया से। आज मैं मौजूद हूँ जिला चित्रकूट ब्लॉक मऊ गांव हरदी कलाय मजरा कड़ा। यह है यहाँ कुछ मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं। ये लगभग 10 साल से रहते हैं और इस तरह से कुछ लोग झोपड़ी बनाए हुए हैं, कुछ लोग घर बनाए हुए हैं। 1 या 2 किलोमीटर दूरी से पानी लाते हैं। इनके लिए भी हैंड पंप नहीं है। लगभग यहाँ 10 झोपड़ी बने हुए हैं, लगभग 50 लोग हैं। यहाँ के लोग पानी की स्थिति इनको बहुत दिक्कत है। इनके लिए पानी पीने के लिए नहीं है। इस तरह की गर्मी है, लोग बहुत परेशान होते हैं। यदि कुआं भी सूख जाएगा तो इनके लिए पानी पीने के लिए कहीं नहीं रह जाएगा। और चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि कहाँ से पानी लाती, कितना दूर से लाती हैं और एक दिन में कितना पानी लगता है। चलते हैं, लोगों से हम बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पूरा परिवार रहते हैं। क्या नाम है आपका? सलमान जान। तो पानी कहाँ से लाती हैं और क्या क्या समस्या होती है? कुआं से। कितना दूर से? बहुत दूर जाते हैं। कब से पानी की समस्या बनी हुई है? क्या जब से यहाँ आया है। कितना घर है? 10-11 लोग। कितना परिवार आपके घर में? एक दिन में कितना पानी लगता है, कितना पानी लाती है? 4-5 क्यूब लगता है। तो अभी चुनाव हुआ है हाल में, तो आप लोगों से क्या प्रधान बोले हैं, क्या कहे हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था होगा या नहीं? अभी कुछ होगा बोले। तो कुआं से पानी लाती हैं तो क्या क्या समस्या होती है वहाँ से भरते हैं तो? ऐचना पड़ता है रस्सी डाल के, भर नहीं देते। कौन पानी तक नहीं भरने देते हैं। दूर से पानी लाते हैं तो अभी नहीं भरने देते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं हमारी नारा में ना आओ। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ हैंडपंप लग जाएगा तो? हम लोग कहना चाहते हैं यहाँ पर हैंडपंप लग जाए, पानी की बहुत व्यवस्था नहीं, बहुत दूर से रहना पड़ता है पानी। पूरा कितना परिवार होंगे टोटल? जान बच्चे से कितनी आबादी होगी यहाँ की? 4-5। आइए अब भी बोली रोटी बिल्ला दे भूखा लीजिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? बता दीजिए। छलाकत जान। तो पानी के लिए किस तरह समस्या, क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? रस्सी से खींचना पड़ता है। कहाँ से लाते हैं, कितना दूर से? बहुत दूर से ले आते हैं, कुआं से। तो यहाँ जंगल में रहती हैं तो पानी के लिए क्या क्या दिक्कत होता है? कोई नहीं बनने देता है क्या? जब कुआं सूख जाता है तो फिर कहाँ से लाते हैं? नहीं तो हरदी जाते हैं, गांव में करा हरदी वाला। तभी चुनाव हुआ है हाल में, तो कुछ कोई वादा किया है चुनाव के समय कि यहाँ के लिए क्या व्यवस्था कराएंगे? प्रधान बोले हैं कि करेंगे बम्बक। तो जब हैंडपंप लग जाएगा तो क्या फायदा होगा आप लोगों को? तो पानी भरने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो एक दिन में कितना लीटर पानी लगता है आपके घर की? 5-6 खेप। एक खेप में कितना लीटर लाती होंगी? 10-20 लीटर लाते हैं, जितना भी रखा पूरा मूड़ में रखते हैं। चलिए लाइए पानी थोड़ा सा। हाँ, चलो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छलक खान।
तो पानी के लिए क्या समस्या है आपके? पानी बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। कितना दूर? कम से कम 1 किलोमीटर। हाँ, कभी कभी कुआं झोला जाता है, 2 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। कितना साल से रह रहे हैं, क्या क्या? हाँ, हम 15 साल से रह रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। टोटल कितने परिवार होंगे? आए हैं जान बच्चे से कितना लोग होंगे? 70-80 आदमी हैं। तो अभी हाल में चुनाव हुआ है। हाँ, तो आप लोग बोले नहीं है कि यहाँ पानी की? हाँ, बोले तो जाते प्रधान जी को, प्रधान जी बनवा दे तब जाने का बन जा, तब जाने का बन गया कि नहीं बना, ऐसे क्या बता देंगे? जब लग जाएगा नल हैंड पंप तो जाने के बन गया है। हाँ, 1-1.5 किलो दूर जाते हैं पानी पाते पाते बिटिया थक जाती हैं। जब शादी ब्याह करते हैं तब कितना पानी लगता है? अरे जब तो पानी 2-3 टन पानी लगता है। फिर कैसे भर पाते हैं आप? ऐसे ढोते हैं, मोड़ से ढोना पड़ता है, मुड़ पक जाता है। हाँ, क्या कहें, मुड़ पक जाता है, ढोते ढोते पानी बहुत दिक्कत पड़ती है हमको। तो अभी मांग की है आप लोग? हाँ, नल लगा दीजिए तो बढ़िया है। तो क्या फायदा हो जाएगा जब पास हो जाएगा? तो पास में फायदा हो जाएगा, पानी छूट जाएगा, पानी है मिल जाएगा दरी में। Thank you.
इतना दूर से पानी ले जाती हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? क्या क्या दिक्कतें होती हैं? उससे पूछो, उससे नहीं बोले, उससे पूछो। और बावड़ी बोल दूँगा, ये बहुत कल हो चार पांच फीट लगती है। नहीं बोले जाके। उससे पूछो, इधर दिमाग का ही, इससे दिमाग नहीं है। अच्छा बोल नहीं पाती। बोल नहीं बोला। अच्छा बोले, तो कुछ नहीं बोले। इतनी दूर से पानी ले जाती हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ से कम नार पिराने लगती है, पानी ऐचने पड़ता है तब ले जाते हैं। इस तरह से कुएं में खींचती हैं तो गगरे भी टूट जाते हैं। हाँ, गगरी टूट जाती है, इस तरह ले जाते हैं। शादी शुदा होती है तो इस तरह सारे दिन ले जाना पड़ता है पानी। जब रात में पानी खत्म हो जाता है तो रात में आना पड़ता है, बिना जियारे बत्ती के आते हैं। ऐसी चाँद साफ खा, चाँद साफ खा, चाँद बिच्छू का कुछ भी खा खा खत्म हो जाएंगे क्या? आपके घर में कितना लीटर पानी लगता है? तीन चार बच्चे हैं तो एक बार में तीन चार बेर आना पड़ता है एक दिन में। काम क्या करते हैं? काम एक घर का काम करते हैं। पति लोग क्या करते हैं? पति लोग ये भट्टा भट्टे जाते हैं ना, हम लोग अभी आए भट्टे की छुट्टी होके। इतना भट्टा में काम करते हैं? हाँ। तो सबसे ज्यादा किस महीना में पानी की दिक्कत होती है आप लोगों को? जेठ मास में सबसे ज्यादा, जेठ मास में दिक्कत रहती है पानी की। ये कुआं भी सूख जाता है? ये कुआं सूख जाता है तो वहाँ पर जाना पड़ता है, हरदी से पानी लाते हैं। हरदी कितना किलोमीटर यहाँ से होगा? एक दो किलोमीटर, चक्कर चक्कर जाना पड़ता है। जब ये खेती किसानी सब बब जाती है तो दिक्कत आती है। ये बच्चे लोग पानी ले जाते हैं जब मम्मी लोग उनकी घरे नहीं रहती है तो। ले जी ना, दे मन पे उठाती
यहीं पे अपना फेसबुक लाइव समाप्त करते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि इतना दूरी से और ऐसे पानी ये लोग ले जाती हैं, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, इस तरह से कुआं से पानी भरती हैं और ले जाती हैं। इस तरह से इनको पानी की समस्या है। यहाँ एक हैंड पंप लग जाए तो इनके लिए पानी की सुविधा हो जाए।